Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to discuss the topic prehistoric hunters and animals from the chapter the animal world. ठीक है, तो आज मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोग के साथ, कौन सा टॉपिक, prehistoric hunters and animals और the animal world इस चैप्टर में से. ठीक है, और बाकी का जो टॉपिक है जैसे हाउ एनिमल्स फाइंड देयर फूड सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स, ये सारे टॉपिक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर रखा है. ठीक है, तो वहाँ से आप जा कर के इस एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. और इस वीडियो में मैं सिर्फ प्री हिस्टोरिक हंटर्स एंड एनिमल्स को डिस्कस करूँगी. ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा आता है, टॉपिक क्या है, प्री हिस्टोरिक हंटर्स एंड एनिमल्स. प्रीहिस्टोरिक, सो प्रीहिस्टोरिक का मतलब क्या होता है, पहले पहले के जो हंटर्स होते थे, एनिमल्स होते थे, वो कैसे थे. ठीक है, सो अर्ली ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर फूड. तो प्रीहिस्टोरिक में कौन आते थे उस समय, अर्ली ह्यूमंस, ह्यूमन ये अर्ली मैंस आते थे. ठीक है, तो इन लोग जो होते थे वो किस पे डिपेंडेंट होते थे, फूड के लिए एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते थे. ऑल राइट, बिफोर द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर ह्यूमंस हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड प्लांटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स. तो जब तक उनके बीच में एग्रीकल्चर नहीं आया, उन्हें एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं हुई, मतलब अर्ली ह्यूमंस को एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता. एग्रीकल्चर मीन्स किस तरीके से आप क्रॉप्स को लगाएंगे, प्लांट्स को लगाएंगे, और फिर उसमें से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने निकलेगा तो आप उसे खाएंगे. ठीक है, तो इन सब के बारे में उन्हें नहीं पता था. तो हालांकि धीरे धीरे उनको जब एग्रीकल्चर के बारे में पता चला तो वो क्रॉप्स लगा के फिर खाने लगे थे, लेकिन जब उन्हें नहीं पता था उससे पहले क्या वो करते थे, एनिमल्स को मारते थे. ठीक है, दे हंटेड एनिमल्स, एनिमल्स को मारते थे और प्लांट प्रोटेक्ट ये प्रोडक्ट्स को गैदर करते थे. ठीक है, कहाँ से, फॉरेस्ट से. प्लांट प्रोडक्ट्स वो क्या खाते थे, वो लीव्स खाते थे, स्टेम्स खाते थे, रूट्स खाया करते थे, तो ये सारी चीज़ें वो खाया करते थे अपने फूड के लिए. दे वुड यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स टू हंट, और वो टूल्स बनाते थे, किसका टूल्स बनाया करते थे, स्टोन्स का टूल्स बनाते थे. जो स्टोन्स होती थी, जो पॉइंटेड स्टोन्स हुआ करते थे, उसको वो यूज़ करते थे हंटिंग के लिए. Early humans used animals for their meat and skin. और जो early mans हुआ करते थे वो animals को किस लिए use किया करते थे, meat के लिए और skin के लिए. Meat means उसको खाने के लिए, यानी कि food के लिए वो meat का use करते थे, और उसका जो skin होता था उससे वो अपने clothes बनाते थे, ओढ़ा करते थे. ठीक है, क्यों, तो ये इस तरीके से वो animals का use किया करते थे. The meat would serve as the food and the animal skin was used for clothes and shelter. तो जो मीट होता था उसको वो फूड के तौर पे खाते थे, और जो एनिमल स्किन है वो किस लिए यूज़ करते थे, उससे वो क्लोथ्स बनाते थे या ओढ़ने के काम आता था, या छोटे छोटे ऐसे टेंट से बना लेते थे. इससे बनाते थे, एनिमल स्किन से. इन कोल्डर क्लाइमेट्स फर फ्रॉम एनिमल्स केप्ट देम वार्म, और कोल्डर क्लाइमेट्स में क्या होता था, जो एनिमल फर होता था उसके वो कपड़े बनाते थे, जिस वजह से वो गर्म रहते थे. ठीक है, अच्छा, एक यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, केव पेंटिंग. ये मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, केव पेंटिंग क्या होता है. पुराने टाइम में ना केव होती हैं, ये एक केव है, भीम बेट का केव है. इसमें क्या होता था, यहाँ इसमें जो है लोग उसकी ये उस वॉल में पेंटिंग्स बना देते थे कि किस तरीके से लोग होते थे पुराने टाइम में, और एनिमल्स कैसे होते थे, किस तरीके से वो रहते थे, किस तरीके से वो हंट करते थे एनिमल को, उनकी क्या लैंग्वेज होती थी, वो सब ना वॉल पे वो सब कार्व कर देते थे, लिखा करते थे. तो उससे क्या होता था, अब जैसे कोई न्यू नए ज़माने के लोग अगर कहीं खुदाई में केव मिला, जब वो उसके अंदर जाते थे तो वहाँ पे उन लोग देखा करते थे कि वॉल में कुछ पेंटिंग्स बनी है, तो वो पता लगाते थे किस टाइम की वो पेंटिंग है. उसकी लिखावट से वो पता चलता था कि कितनी पुरानी वो पेंटिंग है, और इतने पुराने टाइम में लोग इस तरीके से होते थे, ऐसा करते थे, ये खाते थे, इस तरीके से एनिमल को हंट करते थे. तो जो केव है तो उसी को क्या बोलते हैं, केव पेंटिंग. ऑल राइट,
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टॉपिक हाउ एनिमल्स हेल्प अस। अब है हाउ एनिमल्स हेल्प अस, एनिमल हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो गाय, क्या आप लोग हमें बता सकते हैं, क्या आप लोग सोच सकते हैं एनिमल्स हमारी क्या क्या हेल्प करते थे। मैं कुछ टाइम आपको दूंगी सोचने के लिए, आप सोचिए, ठीक है। फिर मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाऊंगी, थोड़ा सा मैं टाइम दूंगी, इसमें आप सोचिए। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, कई तरीके से एनिमल्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो कुछ सेकंड्स का मैं आपको टाइम दूंगी यहाँ पर, आप ज़रा सोचिए कि एनिमल्स से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो गाइस, आप लोग ने सोचा एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। तो एनिमल से हमें मीट मिलता है, एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, हमें एग मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएगा, मिल्क भी आ जाएगा, चीज़, बटर, पनीर, ये सारी चीज़ें, कर्ड, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं, इजंट इट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दे गिव अस मैनी थिंग्स दैट वी यूज़ इन आर डे टू डे लाइफ। तो एनिमल्स हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं। Humans have always dependent on animals for food. और humans जो होते हैं वो हमेशा animals पे dependent रहते हैं, किसकी वजह से, food की वजह से। Domestic animals like cows and goat give us milk, which is used to make dairy products. अब जो domestic animals हुए, कौन कौन हुए, cows हुए, goat हुए, buffalo हुए, ये सारी चीज़ें से हमें क्या मिलता है, milk मिलता है। अब milk से बहुत सारे dairy products बनाए जाते हैं, जैसे cheese हो गया, butter हो गया, cream, curd, पनीर, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, milk से मिलती हैं ना। और मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो इस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, दे डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स इन इन देयर डे टू डे लाइफ। हैंस गिव अस एग, हैंस से हमें क्या मिलता है, एग। सम एनिमल्स फिशेज एंड बर्ड्स ऑल्सो सर्व अस फूड एंड गिव अस मीट। कुछ एनिमल्स जैसे फिश हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब जो हैं हमें फूड देते हैं, यानी कि उनके वो खाते हैं लोग, they give us food. We also get wool from sheep and lamb. और हमें wool कहाँ से मिलता है, sheep से मिलता है, lamb से मिलता है। so इस तरीके से भी हम animals पे dependent होते हैं। Animals are an important means of transport, particularly in remote areas. और साथ ही साथ animals जो होते हैं कई ऐसे remote areas में जहाँ पे car वगैरह नहीं चल सकती हैं, फोर व्हीलर टू व्हीलर्स नहीं चल सकते हैं, वहाँ पे एनिमल को यूज़ किया जाता है एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑल राइट, अब कैमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग इन डेजर्ट एंड हॉर्सेस एंड मुल्स आर यूज्ड ऑन माउंटेन रोड्स। ठीक है, अब कैमल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, डेजर्ट में। ठीक है, डेजर्ट में टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो चलने में प्रॉब्लम होती है, तो कैमल्स जो हैं वो ईजिली चल पाते हैं। और माउंटेन रोड्स में जो स्लोपी रोड होती है वहाँ पे भी गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं ठीक से, तो वहाँ पे कौन काम आता है, हॉर्सेस, मुल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं चलती हैं। ठीक है, एनिमल्स लाइक बुल्स, ऑक्स एंड हॉर्सेस आर स्टिल यूज्ड वाइडली इन फार्मिंग। तो एनिमल्स लाइक बुल्स, ऑक्सेस, हॉर्सेस, इन सबको यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए, दे आर यूज्ड वाइडली इन फार्मिंग, फार्मिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है। वी ऑल्सो रेज मैनी एनिमल्स एज पेट्स लाइक डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स एंड हॉर्सेस। और हम लोग जो हैं कुछ पेट्स भी अपने घरों में भी पाल के रखते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड अस विद प्रोटेक्शन, लव एंड कंपेनियन। और इन एनिमल्स से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, लव मिलता है एंड कंपेनियनशिप मिलती है। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब ये जो टॉपिक है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। और अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप लोग प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ओके गाइस, सो अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।